अजय देवगन की फिल्म मैदान लंबे वक्त से खबरों में छाई हुई है। अमित शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच इसके ट्रेलर रिलीज की जानकारी सामने आई है। दर्शकों के उत्साह को बढ़ाते हुए फिल्म के मेकर्स मार्च में ही मैदान का ट्रेलर रिलीज करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज किया जाएगा। अजय देवगन की फिल्म मैदान की रिलीज को कई दफा टाला जा चुका है। आखिरकार अब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। मैदान के प्रोड्यूसर बोनी कपूर फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। इसी का नतीजा है कि उन्होंने रिलीज से तकरीबन 1.5 महीने पहले ही चुनिंदा लोगों के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग करवा दी। फिल्म देख चुके लोगों का मानना है कि आप इस फिल्म के शुरू होने के बाद स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। उनका ये भी कहना है कि मैदान के लिए अजय देवगन को नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज किया जाएगा। खबर के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर अजय की आगामी फिल्म शैतान से भी जुड़ा होगा, जो 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। मैदान में अजय देवगन के अलावा प्रियामणि और गजराज राव जैसे सितारे भी मुख्य भूमिका में हैं। अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी यह मूवी वर्ष 1952 और 1962 के बीच भारतीय फुटबॉल के स्वर्ण युग पर आधारित है। बोनी कपूर और जी स्टूडियोज के जरिए निर्मित मैदान में अजय देवगन एक कुशल भारतीय कोच सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में नजर आएंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये फिल्म अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के साथ टकराएगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अजय देवगन की फिल्म मैदान ईद के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ये दोनों बड़ी फिल्में अप्रैल में ईद के मौके पर सिनेमाघरों में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगी। फैंस को इन दोनों ही फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।